नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है और ये अपने पैर काफी जल्दी पसार रही है, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों बड़ी मेहनत से इसमें लगे हुए हैं ताकि इस पे जल्दी काबू पा लिया जाए और इसमें हम थोड़े सफल होते भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक मैसेज पब्लिक को देना चाहूंगा कि जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और लोगों को भी ज्ञान दे कि भाई अगर इस महामारी से बचना है तो हमको ये सरकार के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। लॉकडाउन के चलते लोग परेशान हैं, खास करके भुखमरी के कगार पर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली सरकार बहुत से कदम उठाए, दिल्ली सरकार ने जो आप करें भुखमरी ऐसी तो शायद मैं भी घूमता हूँ कहीं नहीं। दिल्ली सरकार राशन बांट रही है, जिन पर राशन कार्ड नहीं है उनको ई कूपन मोबाइल पे ऐप है उस पर ई कूपन की सुविधा दी है, वो ई कूपन से राशन ले सकते हैं। जिन पे आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको भी वो कूपन दे रही है और उनके राशन के साथ साथ उनको एक किट भी मिल रही है जिसमें मसाले है, चीनी है, रिफाइंड है और चाव अपना चने हैं और बहुत सी सामग्री है जो रोजमर्रा की होती है उसको भी दे रही है। और अभी जो इस बार का राशन मिल रहा है लोगों को वो दिल्ली सरकार ने सीधा सीधा डबल कर दिया है और जो गरीबी रेखा से जिनके लाल कार्ड है उनको पहले 25 किलो और 10 किलो चावल मिलते थे, 25 किलो गेहूँ, उनको भी पर मेंबर 4 किलो 1 किलो के हिसाब से, पर मेंबर के हिसाब से बढ़ा दिया है। और स्कूलों में बना हुआ दोनों टाइम खाना बट रहा है, जिस टाइम के हिसाब से अभी हम 13-14 लाख आदमियों को जो दिल्ली की जनता भूखी है उनको डेली खाना, मैं खुद जाता हूँ स्कूल में और बढ़िया खाना उनको दोनों टाइम देते हैं। अच्छा, स्कूलों में जो खाना वितरित किया जा रहा है इसको सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वहां पे बहुत अच्छे तरीके से खाना बांटा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वहां पर सिविल डिफेंस वालों की भी ड्यूटी लगी हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं और जो पब्लिक आती है उनको कम से कम 2-3 मीटर के गैप में खड़ा करके और मास्क सैनिटाइजर की भी सुविधा है वहां पे, सर पे भी कैप लगाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से खाया जाता है। और बताऊं आपको जी, मैं वहां पे जिनके पास बर्तन नहीं है या जैसे रिक्शा वाले भाई घर नहीं है उनको रहने की सुविधा भी सरकार ने स्कूलों में करी है, वो वहां पे रह रहे हैं, वहीं पे उनको खाना भी दिया जा रहा है, जो खाने की जो कंपनियां हैं वो वहीं से उनके प्लेट, आपका पीने का पानी सब सुविधा स्कूलों में करी रही है और ये अच्छे तरीके से चल रहा है। दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके भी खोल दिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहना तो ये कि ये तो पूरे देश में लागू हुआ है, केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है और दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी वही गाइडलाइन दिल्ली सरकार ने भी लागू की है, तो इसमें तो जो केंद्र ने कहा वो दिल्ली सरकार ने माना, मैं बड़ी अच्छी बात मानता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे से प्रधानमंत्री है और उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी चल रही है और जो केंद्र कह रहा है मिलकर काम करे, अच्छा काम करे। आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता और दिल्ली वासियों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए मैं कहूंगा, अगर हमको इस महामारी से बचना है और अपने को बचाना है और सुरक्षित रहना है तो हमें नियम फॉलो करने पड़ेंगे, घर पे बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर साथ लेके चले, बार बार हाथ धोएं, घर में आए तो अपना अंदर घर में आए तो उसको अच्छी तरह अपने आप को साफ करें, खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे और नियमों का पालन करे तो ही हम इस पर जीत पाएंगे, अन्यथा ये भयंकर रूप ले लेगा और इसमें कुछ नहीं जाएगा, हम और आप ही इसके गुनाहगार हैं। सरकार तो असंभव कोशिश कर रही है, दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार भी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सिर्फ कमी होगी तो हमारी भी, इसका भी हमारे का कोई इलाज नहीं है सरकार। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।